डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस अनीसा इस्लामिया, टीचर ऑफ क्लास 7। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। टुडे दिस इज़ माय लेक्चर नंबर 4। इन लेक्चर नंबर 3 वी हैव डिस्कस अबाउट स्टेटमेंट नंबर 11 टू स्टेटमेंट नंबर 16 ऑफ यूनिट नंबर 6, ज़कात। उम्मीद करती हूँ आपने ये स्टेटमेंट्स याद कर ली होंगी जो होमवर्क में मैंने आपको दी थी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, दुआ। पेज नंबर 7 इस्लामियात के नोट्स का खोल लीजिए। पहले रीडिंग करती हूँ। स्टेटमेंट नंबर 1 है, दुआ के लफ्ज़ी मायनी है पुकारना या फरियाद करना। स्टेटमेंट नंबर 2 है, शरीयत में दुआ से मुराद अल्लाह ताला को पुकारने और इससे मदद मांगने के हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, हर इंसान ख्वाह वो किसी भी मज़हब या कौम के साथ ताल्लुक़ रखता हो कभी ना कभी मसाइल का शिकार होता है, इसे ये इल्म होना चाहिए कि सिर्फ अल्लाह ताला ही इसके हर मसले का को हल कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 4 है, हर मुसलमान का अपनी दुआ पर पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला इसकी दुआ ना सिर्फ सुनता है बल्कि कबूल भी करता है। स्टेटमेंट नंबर 5 है, अरशाद बारी ताला है, अल्लाह सब सुनने वाला है और सब जानने वाला है। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट नंबर 1 है, दुआ के लफ्ज़ी मायनी है पुकारना या फरियाद करना। जो दुआ लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ का मतलब है किसी को पुकारना या फरियाद करना, यानी कि हम अल्लाह ताला को दुआ जब मांगते हैं तो हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं, अल्लाह ताला से फरियाद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान कर दे। स्टेटमेंट नंबर 2 है, शरीयत में दुआ से मुराद अल्लाह ताला को पुकारने और इससे मदद मांगने के हैं। हमारे इस्लाम में, शरीयत में दुआ से मुराद है कि अल्लाह ताला को पुकारना और उससे मदद मांगना, क्योंकि अल्लाह ताला से बड़ा मदद करने वाला कोई दूसरा मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला ही हैं जो सबकी दुआ को सुनते हैं और हर इंसान की मदद करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इंसानों से बहुत मोहब्बत करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 13 है, हर इंसान ख्वाह वो किसी भी मज़हब या कौम के साथ ताल्लुक़ रखता हो कभी ना कभी मसाइल का शिकार होता है, इसे ये इल्म होना चाहिए कि सिर्फ़ अल्लाह ताला ही इसके हर मसले को हल कर सकता है। इंसान चाहे दुनिया में किसी भी जगह रहता हो, किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक हो, दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब हैं, किसी भी मज़हब का बंदा हो सकता है, उसको कभी ना कभी जो है मसले मसाइल ज़िंदगी में आते हैं और उसको किसी ना की मदद की ज़रूरत पड़ती है, किसी ना किसी की मदद की। तो हर इंसान को ये इल्म होना चाहिए कि सिर्फ़ अल्लाह ताला ही हैं जो उसके मसले का हल निकाल सकते हैं, दुनिया में कोई भी दूसरा नहीं है जो इंसान के मसाइल को हल कर पाए, सिर्फ़ अल्लाह ताला ही हैं जो इंसान की मदद कर सकते हैं। इसीलिए हर मसले का हल अल्लाह ताला से दुआ मांग के ही हासिल होना चाहिए या मांगना चाहिए, अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए, किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए हमें। स्टेटमेंट नंबर 4 है, हर मुसलमान का अपनी दुआ पर पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ ना सिर्फ सुनता है बल्कि कबूल भी करता है, और हमें इस बात का पूरा यकीन होना चाहिए कि जब हम दुआ मांग रहे हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को सुनते हैं और उसको कबूल भी करते हैं। कुछ दुआएं हमारी कबूल नहीं होती क्योंकि अल्लाह ताला ही जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जो हमारे हक में बेहतर है अल्लाह ताला हमें वही अता करे। स्टेटमेंट नंबर 5 है, अरशाद बारी ताला है, अल्लाह सब सुनने वाला है और सब जानने वाला है। कुरान पाक में भी ये इरशाद आया है कि अल्लाह ताला सब सुनता है, जो भी इंसान दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसको सुनता है और वो सब जानता है कि इंसान के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनता है, कभी बाज़ुकात हमें नहीं पता होता कि जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन अल्लाह सब जानता है, वो हमें वही अता करता है जो हमारे लिए बेहतर है। तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने सुनी ही नहीं, या फिर नाउज़ बिल्ला हमें अल्लाह ताला ने जो है हमारी दुआ को कबूल नहीं किया। तो इन बातों को अपने जहन में नहीं लाना चाहिए।
स्टेटमेंट नंबर 1 से लेके 5 तक हमने यूनिट नंबर 7 दुआ की पढ़ी हैं। घर का काम है आपका स्टेटमेंट नंबर 1-5 याद करनी है जो भी हमने पढ़ी, और इनको लिख के प्रैक्टिस भी करिए। लेक्चर नंबर 5 जो नेक्स्ट होगा हमारा, उसमें हम सबक नंबर 7 की स्टेटमेंट नंबर 6-10 पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।